यहाँ देखो आज बड़े खुश हो रहे हो तुम ससुराल जाने के लिए। तुम भी कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग में? चमका रही है सूज को, चमा चमक अभी मेरे भी चमकानी है। तो अभी फिलहाल कभी बेल्ट नहीं मिलती है, कभी सॉक्स नहीं मिलते हैं। देखो कैसा कर दिया यहाँ पर तुमने, सब सॉक्स फैला के सब। और तो टाइम लगा के तैयार होने में, लेकिन मैं जल्दी हो गई हूँ और ये दुल्हन की तरह तैयारी होने में है अभी तक। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लाई हो रखी है गमले में, ये है मेरी दादा और भाभी की दोनों की मेहनत। आ मेरी ताई की तबीयत ठीक नहीं है, ये ताई कमजोर हो गई मेरी आज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग में स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से, मजा आ गया नहीं 11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही है। तो हाँ 11 बज चुके हैं और ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है अभी। तो आजकल जोशी जी घर आए हुए हैं ना पहुँचे साहब, तो सारा काम लेट हो रहा है। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, हाथ से लगा रही हूँ, उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और ये फर्स्ट क्लास यहाँ पर धूप सेक रहे हैं और आज इनने अपने दिखाते हैं। यहाँ देखो आज बड़े खुश हो रहे हो तुम ससुराल जाने के लिए, क्योंकि आज ईजा आई है घर से, तो ये बहुत खुश हो रहे हैं ससुराल जाने के लिए। और इनने अपने होंठ देखो क्या चमका दिए हैं, सूझ ये देखो भौजी सामने सूझ बिल्कुल चमका दी है जाने के लिए ससुराल। तो हम आज जाने वाले हैं मायके, मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, क्योंकि ईजा आई है ना, ईजा से मिलने की खुशी जो होती है ना बहुत स्पेशल होती है, तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए जोशी जी ने अपने सूट जो है बिल्कुल चमाचम चमका दिए हैं। यहाँ देखो आज बड़े खुश हो रहे हो तुम ससुराल जाने के लिए, अच्छा लग रहा है। बाकी सारे काम हो चुके हैं और सिर्फ नहाना है, नहाती हूँ अब। मजाक मत बनाना कि लेट नहारी करके, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह से। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई आजकल, तो सुबह एक बार सुबह का नाश्ता बन चुका है बच्चों के लिए, उसके बाद फिर आराम से होता है सारा काम। तो अभी इसलिए आज हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, क्योंकि हमको मायके जाना है। तो फिलहाल मैं लगा रही हूँ पोछा और फिर करना है हमको रोटी वोटी, खाते हैं फिर निकलेंगे मायके। तुम भी कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग में? क्यों, अरे कुछ तो बोलो, हेलो तो बोल दो, ऐसे नहीं ऐसे अच्छे से बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बस इनकी गुड मॉर्निंग हो गई है। और जब देखो बस टीवी में लगे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं। तो फौजी साहब को दे दिया है मैंने स्पेशल नाश्ता, प्याज के पत्ते, हरे प्याज के पत्ते और आलू की सब्जी, साथ में घी रोटी और गाजर और मूली, ये उनकी पसंद की सब्जी है, बहुत अच्छा लगता है इनको, खाओ फिर खाओ। कभी बेल्ट नहीं मिलती है, कभी सॉक्स नहीं मिलते हैं। देखो कैसा कर दिया यहाँ पर तुमने, सब सॉक्स फैला के, सब कपड़े फैला के, पैंट। और तो टाइम लगा के तैयार होने में, लेकिन मैं जल्दी हो गई हूँ और ये दुल्हन की तरह तैयारी होने में है अभी तक। फटाफट जाओ, चलो ससुराल पहली बार होना जा रहे हो। तो फाइनली दोस्तों मैं तो तैयार हो चुकी हूँ साड़ी वाड़ी पहन के, और जैसे जी तैयार हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, कब से इनको मैं तैयार करने में लगी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। पहले कह रहे मैं सो रहा हूँ तो चले जा, पहले कह रहे सुबह चलना है, फिर कह रहे मैं सो रहा हूँ चले जा, फिर पानी लेके गई और जाके उठे। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, आज मैंने पहन ली है साड़ी, क्योंकि सासू माँ बोलती हैं कि मायके जाने के लिए साड़ी पहनो, इसलिए मैंने साड़ी पहन रखी। आज तैयार हो गई हूँ, निकलते हैं सीधे। हाँ भाभी का फोन है, आए नहीं अभी करके पूछ रहे हैं, मैंने कहा पहुंचने वाले हैं बस। तो मायके पहुँचते ही स्वादिष्ट लंच बन के तैयार था, उसमें बना था गुड़ के डिक्के, जो कि हमारी डिमांड के अनुसार बना था, कावा बना था। अभी ना नाश्ता किया, बढ़िया हो रहा था। ना दादी मेरे 100 दादी दे वाला दे।
बालकनी में बैठ के ले रहे हैं खाने का आनंद यहाँ पर जोशी की और मैं, बाकी भाई लोग वो खाएंगे अंदर क्योंकि वो इस टाइम पर बाहर खाना नहीं खाते, तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मीठा रहा ठीक है। आ मेरी ताई की तबीयत ठीक नहीं है, ये ताई कमज़ोर हो गई मेरी आज, और यहाँ पे ईजा बैठी हुई है, भाभी बैठे हुए हैं। तो अभी हमने चाय पानी पी के अब शाम का टाइम हो चुका है और हम भी जाने के लिए हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पर ये गमले लगा रखे हैं बालकनी में खूबसूरत से, बहुत अच्छी बालकनी करके रखी हुई है भाभी जी ने। और सामने यहाँ पर एक बन गया है बैंक्वेट हॉल गौरी गणेश नाम से, तो अभी नया नया इसकी ओपनिंग हुई है, बस एक ही शादी इस बैंक्वेट हॉल में हुई है अभी तक। फ्लैट तैयार हो चुके हैं जो फ्लैट लेना चाहते हैं, बैठे हैं यहाँ पर दो मंजिले में बालकनी में, ताई ईजा भाभी दादा भी अभी तक बैठा था। तो अब हमारी हो रही जाने की तैयारी, हम निकलते हैं अपने प्लॉट की तरफ को, थोड़ा वहाँ पर अपने प्लॉट के हाल चाल देख के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लाई हो रखी है गमले में, ये है मेरे दादा और भाभी की दोनों की मेहनत, कितने सुंदर प्लांट हो रखे हैं देखो, कितनी सुंदर सदाबहार की नया कलर यहाँ पर आया। इसके वो नहीं हुए भी पौधे छोटे, मैंने तुमसे कहा था मेरे को देना यार। और यहाँ पर ये लहसुन के पत्ते भी लग, प्याज है ये तो धुनपांगर, अच्छा ये हमारे पहाड़ों में होता है जो धुनपांगर वो है, इससे ना जो डुबके होते हैं ना डुबके में तड़का लगता है, झोली में तड़का लगता है। और ये लाई के पेड़ कितने खूबसूरत हो रखे हैं, दादा और भाभी बोल रहे हैं इस बार हमने मार्केट के लाए जलाहा। यहाँ पर चल रही ईजा और ताई की गपशप पहाड़ में कैसा हो रहा मौसम करके, चले चलो। तो अभी हम निकलते हैं, पहले ताई के बुआरी से मिलते हैं क्योंकि फिर वो गुस्सा हो जाएगी। वहाँ झिड़ चाहे तू भैर हम जाओ नु बाय 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 बाय। तो मायके से हम निकल गए हैं दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ अपने प्लॉट में क्योंकि जोशी जी को देखना है प्लॉट, यहीं से निकले। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने प्लॉट में, ये वाला घर है, इन लोगों ने इसमें सब्जियां वगैरह बो रखी हैं। तो जोशी जी बोल रहे हैं आज मेरे को ये प्लॉट चौड़ा है। नमस्कार, हाँ अच्छा कर रखा है यहाँ, फिर उनका फ़ोन आया था ना, हम बोले मैंने कहा बिल्कुल यार मेरे को तो ऐसी चाहिए हरा भरा हो जाए उससे बढ़िया क्या है ना। तो बीच में मैं आई थी ना इस रोड में तो कितनी गंदी हो रखी थी, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में पूरी रोड ख़राब हो रही थी, अभी जो है रोड में बहुत अच्छी बन गई है। तो अभी सोने की तैयारी हो चुकी है हमारी, और सोने से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वाइप से साफ करके, क्योंकि ठंडा है ना तो धोने का मन नहीं कर रहा है, धोती हूँ मैं और दिन, तो आज मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई है। मायके से आने के बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो आज मैंने खाना भी नहीं खा रखा, बस थोड़ी सी गाजर का हलवा ज़रा सा खा रखा क्योंकि बिना खाए भी रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गाजर का हलवा खाया और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, गैस लग रही मुझे, गैस की वो प्रॉब्लम, तो बहुत दर्द कर रहा था पेट। और सब्ज़ी हमने बनाई आज मशरूम और मटर की, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई, जोशी जी बोले थे बहुत अच्छी होती सब्ज़ी, और साथ में गाजर का हलवा बनाया था, रोटियां बनाई थी। तो अब मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी, और सोने से पहले मैं अपने फेस पर लगाती हूँ साटन का, ये साटन की सीरम जो कि बहुत अच्छी है, ये यूज़ करती हूँ मैं, हाँ भी लगाऊँगी, तो ये यूज़ करती हूँ सोते समय। और इसको मतलब सुबह धूप में नहीं लगाना चाहिए, धूप में लगा के या तो फिर आप इसके ऊपर से सनस्क्रीन लगाओ, तो मैं सुबह नहीं लगाती हूँ, मैं शाम को लगाती हूँ सोते समय अच्छे से फेस को वॉश करके। तो अभी तो मैंने इसे सब साफ कर लिया है, लेकिन फेस को अच्छे से धो के उसके बाद जो है ये सीरम को लगाना चाहिए, इससे जो है ना हमारी जो बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा सा रिंकल्स हो जाते हैं चेहरे पर, तो वो रिमूव हो जाते हैं, मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं रिमूव होने में, तो इसलिए मैं इसको यूज करती हूँ। तो अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं ये यूज करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग अगर देखते हैं तो मेरी उम्र के जो भी हैं तो वो आप लोग इसे हर उम्र के यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लेती हूँ ड्रॉप, वैसे इसको डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे इस तरीके से इसको
ऐसे लगा देना है। अच्छा।